पुलिस ने मथुरा के क्षेत्र में लाइसेंसी राइफलों से फायर करने वाले 3 आरोपियों को काबू कर लिया है। आरोपी दहशत मचाने के बाद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को दहशत फैलाने वाली वायरल वीडियो के बाद काबू किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जहां पूरा देश 5 अप्रैल रात्रि 9:09 के लिए पूरा देश कोरोना वायरस को देश से भगाने के लिए दिवाली मना रहा था, वहीं दूसरी ओर शातिर दिमाग कुछ शरारती लोग हर्ष फायरिंग कर अपनी दबंगई दिखाते हुए लोगों में दहशत फैलाने की मंशा से फायरिंग कर रहे थे, जिनको पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ ही लाइसेंसी बंदूकों और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व वृंदावन पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ वायरल हुई वीडियो में आरोपी को पानीघाट क्षेत्र से अवैध तमंचे के साथ हिरासत में लिया था, जिसे पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया था। यहां आपको बताते चले कि पुलिस को उक्त मामले से जुड़ा हुआ एक और वीडियो हाथ लगा है, जिसमें तमंचे के अलावा कुछ लोगों को अपनी लाइसेंसी राइफलों से फायर झोंके थे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उक्त मामले से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक डबल बैरल बंदूक 12 बोर की लाइसेंसी और एक सिंगल बैरल बंदूक लाइसेंसी, 17 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम हरपाल सिंह, गोविंद सिंह व जयराम सिंह बताए हैं, जिन्हें पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया है, जिन्हें पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आपको बताते चले कि इस मामले की जांच अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले मथुरा दरवाजा चौकी प्रभारी राजवीर सिंह को सौंपी गई थी। सूत्रों की माने तो युवकों ने 5 अप्रैल की रात्रि प्रधानमंत्री के आह्वान पर मनाई गई 9 मिनट की दिवाली पर पानीघाट क्षेत्र में राइफलों से फायर किए थे। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। बंदूक के मामले में आज जो गिरफ्तारी हुई, उसका क्या मामला है? एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति अवैध तमंचे से फायर कर रहा था, और इसके बाद देखा गया कि एक लाइसेंसी बंदूक से भी एक व्यक्ति फायर कर रहा है। उस वीडियो की पड़ताल की गई तो उस पर जो तमंचे से फायर कर रहा था व्यक्ति, वो उसका संतोष नाम था, वो पानीघाट का रहने वाला था। वो दिनांक 7/4/2020 को गिरफ्तार करके एक अदद डबल बैरल देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम पे आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे, जिसमें दो डबल बैरल और एक सिंगल बैरल इनके कब्जे से बरामद हुआ है। ये हैं हरपाल सिंह, गोविंद सिंह, जयराम सिंह, ये बैंक के गार्ड हैं, ये भी फायरिंग कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3 12 बोर की बंदूकें और 17 कारतूस बरामद किए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.